Ahmed. Not mess. Inverse trigonometric function. Second number chapter. Inverse trigonometric function. प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन. प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा? जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा है त्रिकोणमिति, उसकी जो इमेज होती है, अगर हम जैसे अपना आपको देखना चाहें मिरर में, दर्पण में, तो जो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है वो हमारा इनवर्स होता है. इसी को हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. जैसे हमने लिखा साइन वाई बराबर एक्स, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये बना. कोस वाई इक्वल टू एक्स, y बराबर cos इनवर्स x, tan y बराबर x, y इक्वल टू tan इनवर्स x. इसी तरह से ये होगा cos x y बराबर x, तब y बराबर cosec inverse x और sec y बराबर x, तो y होगा sec inverse x और cot y बराबर x, y होगा cot inverse x. अब आपने देखा जब साइन वाई बराबर एक्स है, अब यह वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स है, अब हमें एक्स के मान देने. आपको बताया गया 11 क्लास में भी कि कोई भी जो फलन परिभाषित होता है वो एक्स के मान से होता है. एक्स का मान जो हम एक्स अक्ष पर लेते हैं, ये है हमारा एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश. एक्स अक्ष पर जो भी मान लेंगे उस पर ही परिभाषित होगा जिसको हमने एक्स लिया. जैसे त्रिकोणमिति में होते हैं कोण, कोण बनते भी एक्स अक्ष से ही हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 10 डिग्री, इस टाइप से. लेकिन नॉर्मली जो को हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, इनकी हमारे पास टेबल होती है, याद होते हैं, फिर 11th क्लास तक पढ़कर आते हैं, तो उसी पर मेन होता है. इससे अलग जो मान होते हैं 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, ये सब अधिकतर एक टेबल होती है, उसके अंदर दिए जाते हैं, उस टेबल से देख करके हम इनके मान रखते हैं. अब जैसे हमारे पास बना साइन वाई बराबर एक्स, ठीक है, अब यहाँ वाई बराबर बना साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब हम एक्स अक्ष पर कोई भी मान लेंगे, ठीक है, जो भी हमने एक्स मान लिया, जो इसको हल करके आया वो वाई अक्ष पर मिला हमें. वाई जो है ये हमारे पास एक्स अक्ष और ये हमारे पास वाई अक्ष. जैसे हमने पढ़े 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में मूल, मूल हमेशा निकल कर आते हैं एक्स अक्ष से. मतलब कोई भी वक्र जब किसी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है वही उस वक्र का मूल कहलाता है, और यदि वक्र एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तब उसका मूल नहीं होगा. इसी पर हमारा ये बने साइन वाई बराबर एक्स, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, और कोसेक वाई बराबर एक्स, वाई बराबर कोसेक इनवर्स एक्स. कोस वाई बराबर एक्स, एक्स को जो भी मान हमने दिए, वाई बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, सेक वाई बराबर एक्स, वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स, टेन वाई बराबर एक्स, वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स, और कोट वाई बराबर एक्स, वाई बराबर कोट इनवर्स एक्स. इसी से फिर हमारा फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, ये याद होने चाहिए सभी. यहां पर आएगा आपका ये बनेगा आपका साइन इनवर्स एक्स
प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू और कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू ये होगा। ये हमारे में तीनों चीजें याद होनी चाहिए, ये सूत्र भी जिनका हम आगे भी प्रयोग करेंगे। हम अवकलन पढ़े, समाकलन पढ़े, आगे जो भी पढ़ेंगे वो सब हमारा इन सूत्रों पर, अगर अवकलन हम पढ़ रहे हैं इस तरह की कंडीशन आ जाए तो इससे है प्ले करके। ऐसा नहीं हम वहां कोट इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स के अवकलन का या समाकलन का सूत्र लगाए, हम मालूम है पाई बाई टू के बराबर होता है तो इसको पाई बाई टू रखें, उसके बाद जो भी है पाई बाई टू का अवकलन है समाकलन है जो भी आता है वो करके हम हल करेंगे। इसी तरह से आपके पास ये चीज होती है। ये फिर आपके पास आपको ये तो बने आपके पास एक, अगर कहें एक इमेज बनी साइन वाई बराबर एक्स और वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। मैंने आपको बताया जैसे हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में हमारी इमेज हमारा प्रतिबिंब होता है और उसी को हम एक इनवर्स के रूप में कहते हैं। जब उसको इनवर्स के रूप में कहते हैं तो ये चीज आपकी यहाँ पर आई। इसी पर हमारे पास कुछ सूत्र बनते हैं जो हम आगे लिखेंगे, ठीक है। इस ये हमारे पास एक स्टार्टिंग हुई, प्रारंभ हुआ हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमित फलन, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि आगे हम इनका सबका प्रयोग करेंगे आगे अवकलन में और समाकलन में भी। इसलिए ये बोर्ड में भी एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं और आगे तो यूज होंगे ही हमारे पास। देखिए बात देखिए, ए पार्ट में वन का साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स। सेकेंड पार्ट कोस इनवर्स एक्स बराबर sec इनवर्स 1 by x। थर्ड पार्ट tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1 by x। इसलिए sin इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1 by x, cos इनवर्स x sec इनवर्स 1 by x और tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1 by x। अब हमने जैसे sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x ये मान दिए गए हैं हमारे पास, ये सूत्र और भी बहुत होंगे जो पढ़ते हम साथ साथ क्वेश्चन के बीच में आएंगे वहां बता दिए जाएंगे। मेनली हम सबसे पहले उन सूत्रों का प्रयोग करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको समझते हैं जिनके आधार पर सूत्र बनते हैं और जिनको हमें याद करना पड़ता है। अब आप देखें यहां जैसे ये हमने लिखे, अब इसके आधार पर हमें जो साइन इनवर्स एक्स का कोई मान दिया गया है और उससे हमें टेन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स कोई भी मान ज्ञात करने हैं तो किस तरह से ज्ञात करेंगे देखिए आप लोग बी पार्ट में। आप बी पार्ट साइन इनवर्स एक्स ये हमें दिया गया, इसको हमें कोट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स इस तरह से उनमें कन्वर्ट करना है जिनके मान की हमें जरूरत पड़ेगी। और वो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए आप, एक सबसे पहले त्रिभुज बनाएं,
ये बना एक हमारा क्यूब। अब इसको आप जैसे 11वीं क्लास में 10वीं क्लास में आपने पढ़ा साइन वर्स एक्स, आप इसको साइन एक्स माने, मतलब साइन थीटा बराबर एक्स जैसे होता है, तो इसलिए साइन एक्स माने एक्स बाई वन मान के जाएगा, एक्स बाई वन यहाँ पर। अब पढ़े तो साइन थीटा, लेकिन यहां देखे आप साइन इनवर्स एक्स। अब आपका साइन थीटा, अगर इसको हम थीटा एंगल मान ले तो आपको मालूम साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होगा, तो एक्स बटे वन। समकोण त्रिभुज का हम नियम लगा दें इसमें ए बी सी, समकोण त्रिभुज का जब नियम लगाएंगे तो ये हमारे पास इस जो ए बी भुजा है इसको हम पूरा करेंगे। ए बी भुजा क्या बनेगी, हम देखें इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दे जाए तो ए बी क्या बन जाएगी, ए बी आ जाएगी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का नियम आप जानते हैं, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और प्लस बी सी का, मतलब किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर जो वर्ग बनते हैं, तो उससे क्या मतलब है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बाकी दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है, इसलिए ये। और आपको पता है किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो इसलिए भुजा एक वर्ग की ये भुजा होगी, एक ये भुजा होगी और एक ये भुजा होगी, इनका वर्ग कर दिया जाए तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग ये बन जाएगा। इससे मेरे पास AC का वर्ग बना आपका वर्ग का वर्ग, AB का वर्ग हमें चाहिए नहीं मालूम, और BC का वर्ग x स्क्वायर बन गया। तो यहां से 1 माइनस x स्क्वायर बराबर AB का वर्ग और AB बराबर बना हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये हमने यहां पर लिखा है। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर देखिएगा हमें होता है, अब पढ़े हम थीटा के रूप में और लिखे हम इनवर्स के रूप में, तो कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब पढ़ा हमने कोसेक थीटा, लेकिन लिखा हमने कोसेक इनवर्स, तो ये बना कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स, ये बना आपका बराबर होता है। इसी तरह से अब हमने इस साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में लिखा, साइन के आधार पर हमने त्रिभुज पूरा किया। अब हम पढ़ते कोस थीटा, थीटा हमारे पास ये हमने कोण माना, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण वन है तो वन लिखेंगे नहीं क्योंकि नीचे वन आएगा, इसलिए पढ़ा हमने कोस थीटा लेकिन लिखा हमने कोस इनवर्स, तो ये बना कोस इनवर्स आधार बटे कर्ण, तो ये बना वन माइनस एक्स स्क्वायर। और जहां बटे में जो वन आएगा नीचे का वन लिखते ही नहीं है, इसलिए हमने वन नहीं लिखा। और इसी से जब हमने पढ़ा सेक थीटा, लेकिन लिखेंगे हम sec इनवर्स, तो sec थीटा क्या बनेगा, sec थीटा का कर्ण बटे आधार, पढ़ा हमने sec थीटा और लिखा हमने sec इनवर्स, से बना sec इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना आपका। अब इसको tan इनवर्स पर आ जाए, अब यहां से tan इनवर्स क्या बना, पढ़ा हमने tan थीटा इस त्रिभुज की, ये त्रिभुज पूरा क्या हमने इस साइन के आधार पर, यहां पर जब इस त्रिभुज को हमने साइन के आधार पर पूरा किया तो अब लिखा हमने tan थीटा, पढ़ा हमने tan थीटा और लिखा हमने साइन इनवर्स, तो tan थीटा होता है tan थीटा का लंब बटे आधार, पढ़ा हमने tan थीटा और लिखा हमने इनवर्स, तो इसको लिखा tan इनवर्स लंब बटे आधार x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर बराबर,
अब आपने tan इनवर्स लिख दिया गया, इसके बाद cot इनवर्स आ जाए, cot थीटा होता है आधार बटे लंब, पढ़ा हमने cot थीटा जो आधार बटे लंब के बराबर होता है, लेकिन लिखेंगे हम क्या cot इनवर्स, तो लिखा यहां पर cot इनवर्स आधार बटे लंब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हमने लिखा। अब अगर आप देखें जो त्रिकोणमिति में 11वीं क्लास में 10वीं क्लास में पढ़ा हमने, तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। तो इसी तरह से यहां पर भी ऐसे पूरे होंगे। अब हमने उस इनवर्स के आधार पर, अनुपात के आधार पर हमने इनवर्स को पढ़ा, साइन इनवर्स एक्स हमारे पास, अगर आप एक अनुपात इसको मान ले तो आप, हमने जब पढ़ा 11वीं क्लास में या 10वीं क्लास में कहें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, तो अब इसको अगर हम मानते चले इस अनुपात में, तो साइन इनवर्स एक्स को हमें दिया गया था, इसके बाद 5 और होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 हमारे पूरे हुए। अगर हमें साइन इनवर्स एक्स का, एक्स का कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है, इसका कोई मान दिया गया है और हल करते वक्त हमें टेन इनवर्स में, कोट इनवर्स में, सेक इनवर्स में या किसी भी रूप में अगर हमें मान चाहिए, तो उसको त्रिभुज को बनाए पूरा करें और इस तरह जो भी चाहिए उसमें मान रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये सूत्र याद करेंगे तो सूत्र याद करना, इतने सूत्र हो जाएंगे जो एक मुश्किल काम होगा। अगर आप देखें 6 तो नहीं बन जाएंगे इसके, और 6 अनुपात होते 6 नाम भी आएंगे, फिर सबके एक्स्ट्रा 5-5 आएंगे, तो अगर देखा जाए तो एक 6 बने तो 6 36 36 सूत्र याद करना मुश्किल काम होगा। तो उसको हम किस तरह से याद करेंगे, इस तरह बनाना सीखें, जब बनाएंगे तब ये आसानी से हल होगा, और फिर कोई भी मान हमें किसी भी रूप में ज्ञात करना है तो हमारे लिए आसान काम होगा, मुश्किल काम नहीं होगा। तो आपने देखा एक साइन इनवर्स एक्स दिया गया था, उसको हमने कोसेक इनवर्स, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स के रूप में लिखा। कैसे लिखा, जो आपके सामने है। अब इसी के बाद हम देखेंगे कोस इनवर्स एक्स का मान, ये फर्स्ट पार्ट आपका ये था। अब हम इसी तरह से कोस इनवर्स एक्स दिया जाएगा, और कोस इनवर्स जब एक्स दिया जाएगा तो उसको हम बाकी 5 जो अनुपात होते हैं उनमें इनवर्स के रूप में पूर्ति करेंगे, इसी तरह त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज को पूरा करेंगे, और फिर जैसे हमने बताया कि माना हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, लेकिन लिखा हमने इनवर्स के रूप में, ठीक है। तो ऐसे इस पर आधार पर आइएगा, देखिए वहां सेकेंड पार्ट, हमें कोस एक्स, कोस इनवर्स एक्स ये दिया गया है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, ठीक है। तो हमने एक एक्स है, इसको हमने एक्स अपॉन वन लिखा, ये लिखा। अब हमने इसको माना कोस थीटा बराबर है एक्स अपॉन वन, ठीक है। अब हमें मालूम है त्रिभुज में कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका ये होगा और कर्ण आपका ये होगा, तो इसके उस पर इस एक्स अपॉन वन से मैं इसको पूरा करूंगा एक्स अपॉन वन, ये क्या हुआ कोस थीटा, लिखा इनवर्स, पढ़ा हमने कोस थीटा आधार बटे कर्ण। अब समकोण त्रिभुज का नियम लगाकर हम इसको पूरा कर ले, तो होगा एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, एसी का वर्ग 1 का वर्ग, एबी का वर्ग एक्स का वर्ग और प्लस बीसी का वर्ग, बीसी वर्ग क्या करना जो हमारे पास है ही नहीं। अब यहां से 1 का वर्ग 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बीसी का वर्ग, और वर्गमूल ले लें तो बीसी बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर
ये बी सी आ रहा है। अब इस मान को हम कहां लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने यहां पर लिखा। जब हमने इसको ये लिखा तो हम इसकी बाकी पूर्ति करेंगे कोस इनवर्स एक्स, तो यहां सेक इनवर्स एक्स लिखा हमने, सेक इनवर्स पढ़ा हमने सेक थीटा, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो पढ़ा हमने सेक थीटा और लिखा हमने सेक इनवर्स, तो बन गया वन बाई एक्स, ये बना। इसके बाद अब आइए सेक इनवर्स, अब हमें जो साइन इनवर्स मान है ये लिखा हमने साइन इनवर्स, पढ़ा हमने साइन थीटा, साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, कर्ण पर वन आएगा लंब बटे कर्ण, तो बटे जो नीचे का वन आएगा उसको हम लिखेंगे नहीं, तो लंब बटे कर्ण, तो लिखा पढ़ा हमने साइन थीटा और लिखा साइन इनवर्स, तो बन गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। अब कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स होगा लंब कर्ण बटे लंब, तो बना वन अपॉन लिखा हमने कोसेक इनवर्स और वन कर्ण बटे लंब, तो वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना कोसेक इनवर्स एक्स। अब कोस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स एक्स में लिखना, तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स में ये होगा, कोसेक इनवर्स में ये होगा। अब आए टेन इनवर्स, लिखा हमने यहां पर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स अब पढ़ा हमने टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बन गया हमारा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये लिखा। और आगे कोट इनवर्स, तो कोट इनवर्स कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, तो आधार है एक्स, तो एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप देखें हमारे पास कोस इनवर्स एक्स का मान था जिसको से हमें बाकी पांच इनवर्स की पूर्ति करनी थी, इसमें कोस इनवर्स एक्स की सहायता से हमें sec इनवर्स एक्स का, कोसाइन इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स और cot इनवर्स के मान ज्ञात करने थे, जो हमने निकाले और यहां पर करने के बाद हमने कंप्लीट किए। इसी तरह से बेटा आपको जो भी मान है, ठीक है, अब हमने sin इनवर्स और cos इनवर्स किया और बाकी के जो आगे बचे हैं वो हम कल बात करेंगे, कल उसको ये लेंगे, इसको आप आराम से समझेंगे और पढ़ेंगे, और जो नहीं समझ में आए वो मुझसे पूछेंगे आप, ठीक है, ओके, क्लास ओवर।